बेस जिन्ना कंफर्टेबल होएगा तुहाडी पग ओनी ही ज्यादा कंफर्टेबल होवेगी। देखो भी पग बनने तो पहला एक रड़ फड़ लेना अपने खब्बे हाथ विच, जिवें दूसरे पासे दो रड़ ने, जिवें पूनी कीती सी दो रड़ फड़ के, वह रड़ जिहड़े आपां सज्जे हाथ विच फड़ने आ। फड़ना इस तरीके नाल कि पग बन रहे तुहाडी खुली साइड थले होवे ते बंद साइड उपर होवे, ऐसे कहन रड़ लावांगे। खब्बे हाथ रड़ मूँह फड़ना, पीछे सेंटर से लेके आना, बिल्कुल सेंटर से, सिर दी हल्के साइड तो बिल्कुल सेंटर से लेके आना, साइड तो लेके आना हल्का जहा। इस लड़ना असं डबल करांगे, रेन करके फड़ के ऐ डबल कर लेना। ये लड़ अपना असी अद्धी अख अद्धी गल ते अद्धे गल ते लाउणा, मीन हाफ आई हाफ चीक हाफ ईयर। आधा ईयर आ गया थले कवर कर लिया, सफाई तो मेनटेन करते हुए बिल्कुल सीधा रखना है, थले कोई भी चढ़ने लगे हाथ टच करके इन्हें सारा रख लेना, फसना टच करके इस तरह सीधा कर लेना पूरा एंड तक घूम जा। पग बनने का घूमन का फायदा यह होंगे कि पूनी खराब नहीं होंगी। देखो हम डॉट जिमें खुली साइड थले आ गई है, वन साइड उपर है, मोटी साइड उपर है, पतली साइड थले है, जिमें असी स्टार्टिंग तो इनू सही तरीके रखा थी अपने भी सही तरीके आएगा। अज असी पग बन रहे पटियाला शाही, इसलिए असी पहला लड़ जड़ा है बिल्कुल टॉप से रखांगे, इस लड़ दे बिल्कुल नाल साफ कर लेंगे। इस लड़ में असं पिंच करना है, जिहड़ा कि सारे लड़ों के एक ही पिंच सेम तरीके आएगा। अब पहला पिंच हो गया, एक बार किया दो बार करना इन्हू, आ साफ किया इन्हें, कई लोग अंगूठा लाना भी कह देंगे कि पग ने अंगूठा लाना, अंगूठा लाना दो बार लाना है। फिर दूजा पिंच है उंगलियों उपर अंगूठा थले सी बना के पूरा इन्हू बंद कर दूँ, आ फड़िया सी इन्हें बंद करता, इन्ना लड़ जरा दोनों पास साफ हो जाता है, गोल हो जाता लड़। यही सफाई असं थले तक लैके आनी है, लड़ में हल्का खिला के दूजा लड़ लावे, पिछड़े हाथ सज्जा पा के घूम गया। देखो भी हम असी सज्जे पास दूजा लड़ लाना, यह लाना जो पहला लड़ उपर लगा तो दूजा लड़ इतों थले लगेगा, जिम्मे इधर मिनती उपर गई है इधरों नीचे आऊगा। सफाई की बाद च करांगे, कल कवर कर लेना इस लड़ से। एक गल का हमेशा ध्यान रखना, पग बनने वेले खब्बे हाथ का खिचा रखना, सज्जे हाथ में सफाई करी जानी है। अगो आके पिंच करांगे उसे दो तरीके नाल, डबल पिंच, यह होगा थोड़ा पहला पिंच, सफाई करांगे लास्ट फड़ने बिल्कुल हल्का एज फड़ के सफाई करनी है जी। उसने की करना बिल्कुल पिंच करना सही तरीके नाल,
ਇੰਚ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਲੜਨ ਮਿੰਟ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੀਜੇ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਲੱਗਣਗੇ ਘੁੰਮ ਜਾਣ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੜੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਲੜਾਂ ਵਾਂਗ ਦੋ ਡਬਲ ਪਿੰਚ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲਾਉਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਚੌਥਾ ਲੜਾ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੀਜੇ ਲੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨੱਕ ਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਡਿਸਟੈਂਸ ਸੇਮ ਦੇਖੋ ਚੌਥਾ ਲੜ ਅਸੀਂ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਚੌਥੇ ਲੜ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਢਲਵੀਂ ਸ਼ੇਪ ਬਣਾਉਣੀ ਜਿਵੇਂ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਪੱਗ ਦੀ, ਪਿੱਛੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਜਾਂ ਖਿਲਾਰ ਲਓ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਓ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਪ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉੱਪਰ ਚਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਹਨੂੰ ਇੰਨ ਤੱਕ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਪੱਗ ਦਾ ਲੜਕ ਹੁਣ ਛੋਟਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮੇ, ਪੱਗ ਨੂੰ ਘੁੰਮਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਵੇਂ ਲੜ ਦੀ ਹੁਣ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਲਝਣ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਫਾਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਲੜ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਲੜ ਜਿਹੜਾ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੋਲ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਲੜ, ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਹੈਲਪ ਕਾਫ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ ਸਾਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਸੇਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਰਿਹਾ, 1, 2, 3, 4 ਡੇਢ ਉਂਗਲ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਾ ਰਿਹਾ, 1 ਇੰਚ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਇਹ। ਇਹ ਸਫਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦਰਲੇ ਲੜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਪ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਥੱਲਿਓਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ। ਮੇਨ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਸ਼ੇਪ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਆਊਟਰ ਲੁੱਕ ਬਣਾਓਗੀ। ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਦਾ ਆਊਟਰ ਲੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇਗੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਵੇਂ ਲੜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਟੇਢਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਸਹੀ ਲੁੱਕ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ ਜੀ। ਨੱਕ ਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਪਿੰਚ ਕਰਾਂਗੇ 1 ਪਿੰਚ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੰਗੂਠਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਪਿੰਚ, ਉੱਪਰੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਸਫਾਈ ਆਵੇ। ਦੇਖੋ ਲੜਾਈ ਮਿਣਤੀ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵਧਾਈ ਜਾਣੀ ਆ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ 6ਵਾਂ ਲੜ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ।
देखो वीर हूं अपना है सेवा लड़ बिल्कुल नीट होना चाहिए है, उपरों का साफ है ही है, अंदरों भी साफ होना चाहिए है कि जो तुम बाद उपर गॉगल्स वगैरह कुछ लगा चाहो तो यह हिले ना, इस तरीके साफ करना या प्रॉपर वे ना लगाना चाहिए इन्हू। डिस्टेंस सारे सेम जा रहा है, इस सफाई लिए असं हल्का तय कर लगे। छेवें लड़ का पिंच बिल्कुल नोज से सेंटर च पूरा टेढ़ा लड़ देना, बिल्कुल उपर सीधा लै लेना। अपना दूजा पिंच आएगा, ये कुछ खास लड़े निकलेगा नहीं क्योंकि इन्हें पूरा सी सही तरीके साफ किया होया। मेरा बिल्कुल सही तरीके लड़ बना के तैयार करके फिर लाना। बैक साइड की सफाई ले रही उपरों जिम्मे लड़ कटा जो पिंच किया बस तय कर लेना हल्का जहा, थले सफाई करने लड़ कट के अंदर तय कर देना। हूँ दोनों पासे साफ है, ये बन के थोड़ी पूरी प्योर पटियाला शाही बाग यंग स्टाइल। लास्ट टच देना इन फाइनल जी प्रॉपरली गुठ बनानी है, गुठ में अभी पंजाबी प्योर पंजाबी टोआ भी कह दें। पटियाला शाही बाग के खास जी चीज़ होंगी टोए होंगे जेडे इस चीज़ को यूज करना है, अंगूठे ना दबाई देना उपरों इन प्रेस करी जाना कि पग की शेप उपर न चढ़े। ये प्योर पटियाला शाही बन चुकी है जिन्होंने असं खरबूजा स्टाइल भी कहते हैं, पुरानी बोली दे खरबूजा स्टाइल कहते रहे लोग। शाही नाम यहाँ बाद चो बनया पटियाले के नाम तो। लास्ट लड़ आ गया हूँ अपना, सी ये देखो किवें करना। लास्ट लड़ तुहाडा सब तो मेन लड़ हुंदा है जिन्हें कि यदि लुक बनानी है कि जरा पग जी सोहनी लगती है। लास्ट रन असं कलगी कहने हमेशा कि कलगी किवें लानी है। लास्ट रन असं खिलार के जिमें पग की पूनी करते हैं एवं तय करना, थले तय किया उपर तय कर लिया। देखो मेरा जी असं तय करके पूनी सही तरीके जो लड़ बना है लड़ बना लिया असी, जो पूरी करते हैं कट्ठा ही कर लिया हल्का जहा कि जिस हिसाब सू एरिया चाहिए इन्ना चाहिए तो इन्ना ही उन्हें बनाया लगाना है। खिंच के कितने प्लेस करना देख लो, यदा भी इन्ना ही डिस्टेंस होना चाहिए जिम्मे बाकी लड़ा का डिस्टेंस हैगा। इस लड़न मोटा करने की लड़ नहीं है, इन्हें बिल्कुल बराबर रखना। अगे आ गए तुसी फ्रंट तो इतों पिंच करना, पिंच करके नाल ही ट्विस्ट कर देना इनू पूरा गेड़ा देना पुट्ठा सज्ज्यों खब्ब्यों अंदर पुट्ठा गेड़ा होंदा है। दोबारा देख लो इनू एवें फड़िया अंदर नू मोड़ देना, हाथ रखना कि ये बाकी का लड़ना घूमे। फिर लड़ बन चुके सीधा कर देना दोनों हाथों पीछे जाके फिट कर देना।